सभी को नमस्कार। आज दीपावली शुभ अवसर पर हम सब लोग एकत्रित आए हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आप उपस्थित सभी पत्रकार जन, भाई बहन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से आराधना करता हूं कि आप सबके जीवन में स्वास्थ्य और खुशी आनंद भरा रहे और सतत आप सक्रिय रहे, कार्यरत रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज का अवसर कुछ ज्यादा कहने का नहीं है और आप लोग कई लोग तो कुछ वर्षों से आ रहे हैं। ये मंचीय कार्यक्रम संक्षिप्त रहता है और मुख्य कार्यक्रम अनौपचारिक वार्ता का ही रहता है। त्योहार है और कल से दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह बहुत चर्चा हो रही थी, थोड़ी बारिश आ गई है, कष्ट हो रहा होगा, फिर भी मुझे लगता है हवा काफी शुद्ध हो गई है दिल्ली की। अच्छा है ऐसी ही हवा शुद्ध रहे और हम सब लोगों के लिए ऐसा ही पर्यावरण बना रहे, ये शुभकामना। वैसे दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस बार दीपावली के पश्चात जनवरी में एक हम सबके आराध्य भगवान श्री राम, उनका जो भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है उसमें की मूर्ति की प्रतिष्ठापना 22 जनवरी को होगी। हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, विदेश में रहते उन लोगों के लिए भी, सबके लिए बहुत ही आनंद का वो क्षण होगा कि इतने वर्षों के प्रयास के पश्चात वहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है और इस निमित्त पूरे देश भर में सभी जितने अपने अपने मोहल्ले में, गांव में जो भी मंदिर है उसमें लोग, सभी लोग तो अयोध्या नहीं जाएंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर जो भी मंदिर होगा वहां पर जाकर उस दिन उस उत्सव को मनाएंगे, साथ में देख भी सकते हैं। तो ये एक उत्सव का क्षण रहेगा और रात्रि में उसी दिन रात को सब अपने अपने घर में दीप भी जलाएं। ये आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से वासियों को किया गया है। ये एक अच्छे सौहार्द का क्षण होगा और मुझे लगता है कि उस मंदिर के प्रतिष्ठापना से भारत भी अपने नए प्रगति की राह पर चलता जाएगा। राम तो प्रतीक है मर्यादा के, प्रेम के, धर्म के प्रतीक है और इसलिए ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक आनंद का क्षण रहेगा। उस निमित्त मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और आप सबको ये आह्वान भी करता हूं कि उस पर्व में अपने अपने स्थान पर आप लोग भी सहभागी होना होइए। कहा जाए तो दीपावली अपने देश में बहुत, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है हमारा देश में भी लगातार परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। सबकी ये इच्छा है इस बार अपने संघ के जो भुज में अभी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई उसमें भी एक विषय पर चर्चा हुई, जैसे कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने
अपने विजयादशमी उद्बोधन में भी कहा था, उसकी चर्चा इस बैठक में भी हुई है कि पूरे समाज जो एक अपना भारत, उसका परिचय तो उसके धर्म और संस्कृति से है, एक ऐसी समृद्धि जो लोक कल्याण के लिए है, मतलब समृद्धि तो होती है, हर सभ्यता हर सिविलाइजेशन चाहता है कि वो समृद्धि की ओर जाए। हमारे समृद्धि की विशेषता यही रही है कि वो समृद्धि शुभ मंगल के लिए है, सबके मंगल करने के लिए है, और इसीलिए उस सबका मंगल होना है तो पूरे देश में हर परिवार में ये खुशी आनी चाहिए, और हर परिवार में अगर ये आनंद आना है तो पूरे सभी लोगों को अपने परिवार में हमारे त्योहार हम कैसे अच्छे से मना सकते हैं, अपने त्योहारों के मौके पर अपने मित्र दोस्त रिश्तेदार घर के छोटे से लेकर बड़े तक, अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों तक वालों तक, सभी लोगों को इस हम आनंद में अगर सहभागी कर लेते हैं तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है, केवल अपने घर में नहीं और कई घरों में उस खुशी का फैलाव होता है, और इसीलिए उस दृष्टि से सभी अपने देश में सब लोगों को काम करना चाहिए। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, हम अपने ऐसे त्योहारों के मौकों पर ये ध्यान जरूर रखें कि हमारे घर में भी खुशी हो, सबको बुलाएं, सबको खुशियां बांटें, और जितने भी लोगों से हम जुड़े हो या कई लोगों से अप्रत्यक्ष जुड़े हो उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। ये जितना ज़्यादा हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा अपनी देश में खुशहाली ला सकते हैं। सरकारें अपने तौर पर काम करती है, लेकिन समाज जब इस तौर पर काम करता है तभी ये संभव है, और यही वास्तव में हमारे सही त्योहारों का सही अर्थ है, और दीपावली से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने दिवाली को अपने परिवार में मनाएं, और उसमें जितने लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को सहभागी करने का प्रयास करें, और दीपावली को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। तो आपके हाथों से आपकी दीपावली अच्छी हो, और आपके द्वारा देश के बहुत सारे लोगों की दीपावली भी अच्छी हो, यही आप लोगों को शुभकामना। और पुनः एक बार आप सब लोग यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका आभार, और आपको पुनः एक बार शुभकामना। भारत माता की। Thank you.